यही यही चटोली है, ये चाइना का माल है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग ऑफ माय चैनल। और आज है सैटरडे और वीकेंड है, तो वीकेंड पे बहुत दिनों के बाद आज विक्की ने खाना बनाया है। मतलब पहले हमारा ऐसा रूटीन होता था कि सैटरडेज जनरली विक्की बनाता था, और प्रॉपर खाना खाना मतलब कि चावल या कोई सब्जी या पूरा खाना विक्की ने बनाया है। अदरवाइज काफ़ी टाइम से उसके वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा हो रहा था कि उसने बिल्कुल ऑलमोस्ट स्किप हो चुका था ये वाला जो हमारा प्लान पहले चलता था। बट अभी फिर से आज विक्की के पास थोड़ा टाइम था और विक्की ने बोला कि आई विल कुक द फूड। तो उसने जो खाना बनाया है, डेफिनेटली आई डोंट ईट दैट फूड दीज डेज, मैंने वो छोड़ के रखा हुआ है ड्यू टू सम एक्स वाई जेड रीज़न। मैं आपको कभी और दिन बताऊंगी कि वाई आई लेफ्ट ईटिंग एग्स। मैंने स्टार्ट कर दिया था, पहले मैं नहीं खाती थी बट मैंने स्टार्ट किया था अभी, बट अगेन आई जस्ट लेफ्ट इट, मतलब उसको छोड़ दिया है मैंने खाना। बट विक्की लाइक्ड इट, तो काफ़ी दिनों के बाद हमारे यहाँ ये बना है। और बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट प्रेशराइज एनी वन कि भाई ये खाओ या वो मत खाओ, इट्स हिज लाइफ, वो जो खाना चाहता है वो खाता है। सो यस, और तो वो आज क्या बनाने वाला है उसकी रेसिपी मैं भी यहाँ पर पुट करती हूँ। उसने ऑलरेडी शूट कर लिया है, मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम लेट स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉगिंग। मैंने आज सोचा था कि ब्रेक लूँगी, बट बिकॉज उसका मन हुआ और उसने शूट करना स्टार्ट किया उसकी रेसिपीज़, एंड आपको काफ़ी पसंद आती है विक्की की रेसिपीज़, तो दैट्स वाई उसने पूरा शूट किया है। तो वो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, सो जस्ट इन्जॉय द वीडियो। सो गाइस, अभी बज रहा है दोपहर के 3, एंड अभी हम लोग सो के उठे हैं। सुबह खाना खाने के बाद नींद आ गई थी तो सो गए थे, वैसे भी वीकेंड ऐसे ही जाता है सोते सोते। तो अभी मैं बना रहा हूँ खाना, कभी कभी वीकेंड पर खाना बना लेना चाहिए क्योंकि मेरे को पसंद है खाना बनाना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये शादी के बाद सीख गया होगा खाना बनाना, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं शादी से पहले ही सीख गया था खाना बनाना, घर से नहीं सीखा था। हम लोग रहते थे हैदराबाद में, आई हैव लिव्ड देयर फॉर अराउंड 2 ईयर्स, 2.5 ईयर्स। वहाँ मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों की बदौलत सीखा हूँ मैं खाना बनाना। वो लोग काफ़ी अच्छे कुक्स हैं और वो लोग पहले भी बाहर रह चुके हैं, तो जो भी बाहर रहता है, हॉस्टल में रहता है या फिर कहीं भी रहता है, वो खाना बनाना सीख ही जाता है। क्योंकि मेस का खाना ऐसा रहता है कि मत ही खाओ, क्या खाना है ना। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा करी। तो एग्स बॉयल हो गए हैं, ये प्याज और टमाटर काट रहा हूँ, तेल गर्म हो चुका है और जैसे जैसे बनता जाएगा मैं बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल को गरम किया है, वहाँ पर डाला है बे लीफ और साथ में डाला है थोड़ा सा जीरा। जब ये हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे अनियंस। तो अनियंस कुछ अलग अलग डिज़ाइन में विक्की ने कट करे हैं, थोड़े बारीक भी कट करे हैं, कुछ अलग शेप के कट करे हैं। एंड जब तक अनियन हो रहे हैं तब तक यहाँ पर टमाटो की प्योरी बनाई जाएगी। तो यहाँ पर नॉर्मल टमाटो को लिया है और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और ऐसा पेस्ट बना लिया है। देन उसके बाद मसाले डालेंगे, तो यहाँ पर हल्दी डाला है, देन धना पाउडर डाला है, एंड थोड़ी सी मिर्ची भी ऐड करी है, और इसको अब अच्छे से पकने देना है। और यहाँ पर जो एग्स हैं वो बॉयल हो चुके हैं, अब इनको पील करना है। तो इस तरह से पील किया जाता है, मैं नहीं करती हूँ तो मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है कि कैसे करते हैं, ना मैं बनाती हूँ ना मैं इसको अब खाती हूँ, तो वैसा मेरा वो हो चुका है। तो जैसे भी आप पील करते हैं इसको अच्छी तरीके से आप पील कर लीजिए, तब तक इस मसाले को अच्छे से पकने दीजिए। और इस जो ये बन रही है अंडा करी, इसके साथ बनने वाले हैं राइस। तो यहाँ पर तब तक राइस रेडी हो रहे हैं। यहाँ पर विक्की ने थोड़ा सा दही ऐड किया है, आई डोंट नो वाई, बट हाँ दही ऐड किया है। अब इसको अच्छे से चलाना है और इसको थोड़ी देर और पकाना है, और यहाँ पर पानी ऐड कर देना है। उसके बाद एक एग में से यहाँ पर उसका जो योक है वो डाल दिया गया है ग्रेवी को थिक करने के लिए, और जो ऊपर वाला वाइट पार्ट है उसको कट करके बारीक बारीक कट कर दिया गया है, और उसको भी ग्रेवी में ही ऐड कर दिया जाएगा। एंड देन फिर ग्रेवी को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है, और वो जो येलो पार्ट है उसको भी अच्छी तरीके से मिक्स होने देना है ग्रेवी में। उसके बाद हमारे जो बचे हुए बॉइल्ड एग्स थे उसको डाल दिया है, और अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। और जो हम लोगों ने कट किया था, जो जिसका येलो जो योक है जो डाला था उसका पार्ट बच गया था, वो भी हमने डाल दिया है। यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, एंड साथ में थोड़ा कोरिएंडर भी डाला है, और इससे टेस्ट और अच्छा आ जाएगा। लास्ट में ये जो बॉइल्ड एग्स हैं उनको हल्का हल्का सा बीच में से क्रैक किया गया है, ताकि जो इसका ग्रेवी है वो अंदर भी अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए, और ये जो ग्रेवी है ये बन के रेडी हो चुकी है। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इनको एग्स को प्रॉपरली तला नहीं, कुछ लोग सेक के डालते हैं, कुछ लोग
अलग अलग तरीके से डालते हैं, मैं डायरेक्टली डालता हूँ और उनको ब्रेक कर देता हूँ फिर बीच में से, ताकि वो ग्रेवी भी अब्सॉर्ब कर ले अंदर, और बहुत ही शानदार टेस्ट आता है, आई गारंटी इट। एंड आई होप यू रियली लाइक द रेसिपी ऑफ विक्की। तो अब हम जाते हैं बेडरूम में, क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी हो रखी है, भट्टी की जैसा हो रहा है, मैंने बता के रखा हुआ है। और तो विक्की खुद ही टेस्ट करके बताएगा कि उसकी रेसिपी या डिश जो है वो कैसी बनी है। बहुत मस्त बना है, चावल और अचार के साथ, मतलब मैं ये नहीं खाने वाली हूँ। सो यस, और अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ शाम को, या पता नहीं कब मिलती हूँ, शाम को मिलेंगे थोड़ी देर बाद इसके खाने के बाद, हो सकता है कि हम लोग सो जाएं। सो यस, स्टे ट्यून्ड। हाय गाइस, तो विक्की के सेटअप में मैंने आपको एक और चीज बताया होगा कि विक्की मोबाइल कहाँ पे रखता है और कैसे अपने कॉल से बातें करता है। ये देखो, ये चाइना का माल है, ये चाइना का माल, ये हाथ में ही आ गया। हाँ, तो ये मुझे ब्रांड, ये चाइना का माल है। ओके, व्हाटएवर। तो नहीं, ये जोड़ सकते हैं अपन, ऐसा लग रहा है मुझे। तो इस, ये क्या, ये वो कार में लगाने का होल्डर होता है ना, मोबाइल होल्डर, विक्की ये टेबल पे रखता था, और इसमें यहाँ पर मोबाइल लगा करके, क्योंकि वीडियो कॉल्स होती है और आपको दूसरे हाथ से काम भी करना होता है, तो मोबाइल आप हाथ में लेके घूम नहीं सकते, यू नीड स्टैंड। तो अभी क्या करेंगे, कहीं से मंगवा नहीं सकते हैं, कैसे जुगाड़ करेंगे। तो विक्की ने पता क्या किया, ये अभी एक पास में लाती हूँ। हाँ ठीक है, ये देखो, ये एक लिप्टन ग्रीन टी का डब्बा मिला था, तो मैंने उसको इस तरीके से काटा, ऊपर वाला एज इट इज है। एक सेकंड, हाँ फोकस हो गया। ठीक है, ऊपर वाला आप अगर देखोगे तो ऊपर वाला मैंने नीचे वाले के साथ स्टेपल कर दिया, ऐसे काट करके स्टेपल कर दिया। तो ये अंदर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इसके फ्लैप्स हैं, ताकि ये थोड़ा बेस मजबूत बन जाए, और इसको ऐसे रखा। ठीक है, सो ये बन गया एज, ये बन गया एज, ये देखो, ये बन गया एज, और इस तरीके से बना सकते हो। ये एक्चुअली में एक यूट्यूब पे भी ऐसा वीडियो, लेकिन उन लोगों ने पेपर फोल्ड कर बहुत सारी पेपर से बनाया, विक्की ने नॉर्मल वेस्ट डब्बे से बना दिया, मैंने वेस्ट डब्बे से बनाया, लेकिन ये ज्यादा स्टर्डी है। अब इसको रख के दिखाओ वर्किंग, ये देखिए, ये ऐसे रखा गया, ये मेरा मोबाइल है, वेट लेट मी जूम इट, ओके नाउ यू कैन, हां ये मेरा मोबाइल है, वाह वाह वाह। या आप खुद आईटी में हैं और आपको भी प्रॉब्लम होता है ऐसे मोबाइल रखने का, तो यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ स्टैंड, और उससे आपका इजीली काम हो जाएगा। तो ये स्टैंड पूरी तरह से ही अब तोड़ दिया है विक्की ने। तो विक्की और हम लोगों का मन हो रहा है आलू की भजी, बहुत दिन से हो रहा था बट हम अवॉइड कर रहे थे क्योंकि ऑयल एकदम से। विक्की और मेरा सुनो, मैं आप बोल देता हूँ, लेकिन सबसे पहले यही चटोरी ने बोला था, इतना झूठ बोल रहा है ना, इसकी शक्ल देखो विक्की की, ये एक नंबर का फूडी है। ठीक है, मैं फूडी नहीं हूँ, इनफैक्ट मैंने क्या बोला था, मैंने वो तो मैंने अभी बोला, लेकिन बहुत दिन से, बहुत दिन से आप बोल रहे हो, मतलब भजिया खाने की इच्छा हो रही है। वाह, क्या टेस्ट आ रहा है मुंह में, मतलब टेस्ट आ रहा है मुंह में, जवान में आ रहा है टेस्ट। ओवर एक्टिंग, ओवर एक्टिंग की दुकान है, किसकी एक्टिंग कर रहे हो, खुद की? जी नहीं, पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो मैं इन शॉर्ट बताती हूँ कि विक्की का खाने का मन था बहुत दिन से आलू के भजिए, और मेरा देख लो कौन एक्टिंग कर रहा है। अरे दोनों का खाने का मन था, ये औरत चटोरी इतनी ज्यादा हो गई है, इन्होंने जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है ना, तब से इन्होंने इतनी सारी घर में चाटने की चीजें बना रखी है ना, और मेरे को बोलती है चटोरी है सुना, और मैं चीजें भी गंदा खाना बना दूं ना, तो भाई साहब घर घर पर उठा लिया जाता है, क्योंकि मेरा खाने का लेवल बढ़ गया है, और मैं अच्छा खाना, अब मैं अच्छा खाना बनाने लग गई हूँ, विक्की भूल गया है खाना बनाना, मैं विक्की से ज्यादा अच्छा बनाने लगी हूँ। तो ये है आलू, कट करके रख दिया है मैंने, और यहाँ पर अब मैं बेसन घोलूंगी।
यहाँ पर बेसन में सबसे पहले मैंने ऐड किया है अजवाइन, तो यहाँ पर मैंने अजवाइन ऐड कर दी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हींग ऐड किया है। उसके बाद जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट होता है वो बहुत थोड़ा सा ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर डाला है मैंने चाट मसाला, बहुत टेस्टी लगता है चाट मसाले से। देन यहाँ पर डाली है थोड़ी सी हल्दी एंड उसके बाद डाली है लाल मिर्ची। मैंने हरी नहीं डाली थी इसलिए मैं यहाँ पर लाल मिर्ची ऐड कर रही हूँ। देन थोड़ा सा सॉल्ट डालना है आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने राइस फ्लोर डाला है, इट्स टोटली ऑप्शनल बट इससे काफ़ी क्रिस्पी एंड कुरकुरे बनते हैं जो भजिया होते हैं वो, क्योंकि जनरली जो पोटैटो के जो भजिए होते हैं, जो आलू के भजिए होते हैं, वो इतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होते हैं जितने प्याज के होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चावल का आटा डाल दिया था सो दैट और ज़्यादा क्रिस्पी हो। हम लोगों को क्रिस्पी ज़्यादा पसंद आते हैं, और जिस तरह से आप नॉर्मल भजिए बनाते हो वैसे फिर हमने यहाँ पर डीप फ्राई कर लिए हैं भजिए को। तो हम लोगों के जो भजिए हैं वो बन चुके हैं और रामायण स्टार्ट हो चुकी है, तो हम भजिए इन्जॉय करेंगे। तो ये तो मैं बनाती रहती हूँ तो आई नो कि इसका टेस्ट बेटर है, और बनाते बनाते भी दो तीन बार मैं खा चुकी हूँ। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, तो बस यही है और अभी का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। टिल देन बाय, गुड नाइट।